CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है उर्दू की पाठ्य पुस्तक इब्तदाई उर्दू के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम तोते की चालाकी। अरब के एक सौदागर ने एक तोता पाला था, बहुत खूबसूरत और अच्छी आवाज वाला तोता। सौदागर परिंदों की बोली जानता था और तोते से मीठी मीठी बातें किया करता था। एक बार सौदागर हिंदुस्तान के सफर के लिए तैयार हुआ। उसने अपने तमाम नौकरों चाकरों से पूछा, उस मुल्क से तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं? सबने अपनी अपनी पसंद की चीजें बताई। आखिर में तोते की बारी आई तो उसने कहा, मुझे कुछ मंगवाना तो नहीं है, अलबत्ता मेरी कौम के लोगों को मेरा सलाम पहुंचा दीजिए और मेरा हाल बता दीजिए। उनसे कहिए कि मैं परदेश में हूँ और आपने मुझे भुला दिया, किस्मत ने मुझे कैद में डाल दिया है। आप आजाद हैं और बागों की सैर करते फिरते हैं, मैं रात दिन वतन की और आपकी याद में तड़पता रहता हूँ। इस कैद से रिहाई की कोई सूरत हो तो मुझे बताइए, वरना मैं यूं ही घुट घुट कर मर जाऊंगा। सौदागर ने तोते की बात भी लिख ली। जब वो सफर करते करते हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हुआ तो उसे तोतों का एक झुंड नजर आया। उसने अपनी सवारी रोकी और तोते का सलामो पयाम पहुंचाया। पयाम सुनते ही उन तोतों में से एक थरथराकर जमीन पर गिरा और ठंडा हो गया। सौदागर को बहुत अफसोस हुआ कि उसने ये पैगाम क्यों पहुंचाया। शायद ये तोता उस तोते का अजीज था, इसीलिए सदमे से गिरकर मर गया। अब वो क्या कर सकता था? बात जो होनी थी वो हो गई। उसने सवारी आगे बढ़ाई। कुछ दिनों के बाद सौदागर वतन लौटा। तोते ने अपने तोहफे के बारे में पूछा। सौदागर ने कहा, इस सिलसिले में मुझे बहुत रंज उठाना पड़ा और तुम्हारी बात कहकर मैं बहुत पछताया। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपको सदमा उठाना पड़ा? पेड़ पर तोतों का एक झुंड बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने तुम्हारा सलामो पयाम पहुंचाया, उनमें से एक तोते का बुरा हाल हो गया, उसका दिल फट गया, वो कपकपाकर जमीन पर गिर पड़ा और ठंडा हो गया। सौदागर के तोते ने जो ये माजरा सुना तो वो भी उसी तरह कपकपाया, पिंजरे में गिर पड़ा और ठंडा पड़ गया। सौदागर ये देखकर बहुत रंजीदा हुआ, दांतों से उंगलियां काट लीं, रोने धोने लगा और अपने आप को मलामत करने लगा। हाय, मैंने ये कैसी गलती की, अगर मैं ये बात ना कहता तो क्या हर्ज हो जाता। सौदागर ने रो धोकर तोते को उठाया और पिंजरे से बाहर फेंक दिया। तोता जमीन पर गिरते ही उड़ा और एक पेड़ की टहनी पर जा बैठा। सौदागर ने हैरान होकर पूछा, हैं? ये क्या माजरा है? मेरी कौम वाले तोते ने मुझे सबक दिया था कि तू अपने मीठे मीठे बोल और प्यारी प्यारी बातें छोड़ दे, अपने को मुर्दा बना दे, फिर तू आजाद हो जाएगा। तोते ने ये कहा और उड़कर अपने वतन हिंदुस्तान रवाना हो गया। गौर कीजिए, तोते ने तोहफे के बदले में दोस्तों को सलाम और पयाम इसीलिए भेजा था कि उसे ये मालूम हो सके कि रिहाई कैसे हासिल की जा सकती है।
लव्स और मानी। सौदागर, तिजारत करने वाला। खूबसूरत, अच्छी शक्ल वाला। परदेश, वो मुल्क जो अपना वतन ना हो। रिहाई, आजादी। अजीज, रिश्तेदार। ठंडा होना, मर जाना। रंज उठाना, सदमा बर्दाश्त करना। माजरा, वारदात। सदमा उठाना, गम उठाना। दिल फटना, बहुत अफसोस करना। रंजीदा, गमगीन। घुट घुट कर मर जाना, तकलीफ उठा उठा कर मरना। दिए हुए लफ्जों से जुमले बनाइए। वतन, ख्वाहिश, सबक, माजरा, सदमा, रंज। इन मुहावरों पर गौर कीजिए। अलिफ, पानी में आग लगाना। बे, अपना उल्लू सीधा करना। जीम, आंसू पोछना। ये सब मुहावरे हैं। मुहावरा आम बोलचाल में चंद ऐसे अल्फाज का मजमुआ होता है जिसमें अल्फाज अपने असल मानी के बजाय मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होते हैं। दिए हुए मुहावरों को उस्ताद की मदद से समझिए। ठंडा होना, दिल फटना, दांतों से उंगलियां काटना। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तोते की चालाकी। अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक। ध्वन्यांकन बटी लैंग लिंगडो। स्वर परवेज गौहर और शमा इला परवेज। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।